हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कर और आप देख रहे हैं प्रोलाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे रिहेप्टिन टैबलेट के बारे में। जानेंगे ये रिहेप्टिन टैबलेट का कंपोजिशन क्या है, किस चीज में हम इसको यूज करते हैं और क्या डोज क्या हो सकता है, क्या ये असली में काम करता है और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है इसको लेने से। तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे रिहेप्टिन टैबलेट के बारे में, वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, रिहेप्टिन टैबलेट ये मैनकाइंड फार्मा के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है, जो कि 10 टैबलेट आपको 300 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसमें जो मेन कंपोनेंट्स सब है, जैसे कि मेटाडॉक्सिन आपको 500 mg का मिलेगा, थाइलेमारिन आपको 140 mg का मिलेगा, एल ऑर्निथिन और एल एस्पारेट आपको 150 mg तक भी मिलेगा, और विटामिन B6 जिसको हम पाइरोडॉक्सिन बोलते हैं और फॉलिक एसिड ये भी उसके अंदर में आपको मिलता है। तो एक एक चीज की इंडिविजुअली यूज के बारे में अगर देखा जाए, तो इसमें जो मेटाडॉक्सिन है ये एक प्रकार की पाइरोडॉक्सिन है। ये ज्यादातर इस्तेमाल ज्यादातर अल्कोहल, जो शरीर में जो लोग अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं उनके लिए ये जो मेटाडॉक्सिन है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। उनकी बॉडी से अल्कोहल को विड्रॉल करने के लिए या अल्कोहल को निकालने में इसकी जो मेटाडॉक्सिन की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है। और दूसरी बात देखा जाए, साइलेमरिन जो एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि ज्यादातर आपको पता है सिस्टिक जो लिवर सिरोसिस की कंडीशन हो या जंडिस की कंडीशन हो या लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें इसकी इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। और इसमें जो एल ऑर्थिनिन और एल एस्पारेट ये दोनों कॉम्बिनेशन है दो प्रकार की अमीनो एसिड के साथ, जो कि ये दोनों जिसको कि हम LOLA के नाम से जानते हैं, जो कि ये दोनों मिल जाते हैं तो आपकी लिवर को प्रोटेक्शन करने में ज्यादातर मदद करते हैं। जो कि हार्मफुल फ्री रेडिकल्स होते हैं या जो हार्मफुल केमिकल्स है आपको आपके लिवर को बचाने में इन दोनों की बहुत ज्यादा भूमिका रहता है। और विटामिन B6 यानी पाइरोडॉक्सिन की बात देखा जाए, ये आपके लिवर हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी अच्छा है और आपके शरीर में जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी जो तकलीफ है उसको भी ये दूर करने में माहिर साबित हो सकता है। और उसके साथ साथ आपको रिहेप्टिन टैबलेट के अंदर फॉलिक एसिड भी मिलता है, जो कि विटामिन B9 होता है। और फॉलिक एसिड की काम ज्यादातर हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल है उसकी रेड ब्लड सेल को ये ज्यादातर बनाने में आपके शरीर में ज्यादातर मदद करता है। तो इसको भी आप लोग जानते होंगे, ये प्रेगनेंसी के दौरान इसके इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। जो रिहेप्टिन टैबलेट के बारे में अगर देखा जाए, उसकी यूज के बारे में देखा जाए, तो ज्यादातर देखा गया है जो लिवर डिजीज की कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग के ज्यादातर अल्कोहल ले रहे हैं उनके शरीर से अल्कोहल विड्रॉल करने के लिए या अल्कोहल को निकालने के लिए, उनकी ब्लड से अल्कोहल को निकालने के लिए इस टैबलेट की ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और जॉन्डिस की कंडीशन हो या लिवर सिरोसिस की कंडीशन हो और हेपाटाइटिस की कंडीशन हो या गॉल ब्लडर से रिलेटेड डिजीज भी हो, तो इन सारे कंडीशन में आप ज्यादातर रिहेप्टिन टैबलेट की इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे इसका डोजेस क्या हो सकता है। एक एडल्ट की बात देखा जाए, आप इसको दिन में 2 टैबलेट खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। बाकी अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं आप उनके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है और हेडेक हो सकता है और फटीगू भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट अगर आप रिहेप्टिन टैबलेट ले रहे हैं तो आपको हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था रिहेप्टिन टैबलेट के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रोलाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।